राज्य मंत्री, अपर मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश के इतिहास का यह सबसे बड़ा बजट है और पहली बार 5,00,000 करोड़ रुपए की सीमा उत्तर प्रदेश सरकार का मूल बजट पार किया है। 5,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का उत्तर प्रदेश का यह बजट आज सदन में प्रस्तुत हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बजट वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए रिजर्व बैंक ने एफआरबीएम की जो सीमा तय की है 3% से नीचे राजकोषीय घाटा जो आ रहा है आज 2.97% के अंदर रखने में हम लोग सफल हुए हैं। बजट उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के अभियान को आगे बढ़ा सके, जिससे हम लोगों ने मार्च 17 में आने के बाद उत्तर प्रदेश में बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास में देश के सबसे बड़े राज्य की क्या भूमिका होने वाली है, इस संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश भी जुड़े, इस जिससे आज उत्तर प्रदेश का वर्ष 2020-21 का बजट विधानमंडल में रखा गया। प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रखकर समाज के प्रत्येक तबके के हितों को इस बजट में पर्याप्त स्थान देने के लिए मैं वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी को, वित्त राज्य मंत्री, अपर मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश के इतिहास का यह सबसे बड़ा बजट है और पहली बार 5,00,000 करोड़ रुपए की सीमा उत्तर प्रदेश सरकार का मूल बजट पार किया है। 5,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का उत्तर प्रदेश का यह बजट आज सदन में प्रस्तुत हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बजट वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए रिजर्व बैंक ने एफआरबीएम की जो सीमा तय की है 3% से नीचे राजकोषीय घाटा जो हमारा है आज भी 2.97% के अंदर रखने में हम लोग सफल हुए हैं। बजट उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के अभियान को आगे बढ़ा सके, जिससे हम लोगों ने मार्च 17 में आने के बाद उत्तर प्रदेश के विकास का जो विजन तैयार किया था, पहला बजट जिसमें हमने प्रदेश के किसानों को ध्यान में रखकर के कार्य प्रारंभ किया था, प्रदेश के किसानों को हमने इस बजट को समर्पित किया था। दूसरा बजट प्रदेश के औद्योगिक विकास और प्रदेश के अंदर ढांचागत बुनियादी सुविधाओं के विकास की दिशा से इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकें, इस दिशा से हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर फोकस किया था। तीसरा बजट महिला सशक्तिकरण
के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दिशा में किए गए प्रयास और उस प्रयास में प्रदेश भी तेजी के साथ आगे बढ़ सके, इस दृष्टि से इस कार्यक्रम को हम लोगों ने फोकस किया था। और चौथा बजट आज जब हमारी सरकार को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है तो प्रदेश के ऊर्जा के पर्याय अपने युवाओं के लिए, उनके समग्र विकास के लिए और प्रदेश की उन असीम संभावनाओं को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए हम लोगों ने आज का बजट प्रस्तुत किया है। हम सब जानते हैं कि युवाओं के लिए पहले से बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और उन सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर हर उस शिक्षित बेरोजगार नौजवान के लिए जो स्वयं के पैरों पर खड़ा होना चाहता है उसके लिए एक अप्रेंटिस की योजना हम लोगों ने प्रारंभ की है। हर युवा किसी उद्यम से जुड़ेगा, 2500 रुपये प्रतिमाह सरकार उसे वहां पर सहयोग करने के लिए उस युवा को, जब तक कि वह अपनी पूरी अप्रेंटिस की कार्रवाई को पूरा नहीं कर देता है। एक तरफ इस योजना को हमने फोकस किया है, दूसरी तरफ हर जनपद में युवाओं के स्वरोजगार को आगे बढ़ाने के लिए भी अलग से प्रावधान किया गया है। और ये इस बजट को एक रूप से अपने युवाओं को हम लोगों ने समर्पित किया है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के को हम शिक्षा का एक केंद्र बिंदु बना सकें, उच्च शिक्षा पर फोकस किया गया है। खासतौर पर 3 नए विश्वविद्यालय, यद्यपि उत्तर प्रदेश के अंदर आजादी के बाद निजी क्षेत्र में भी बहुत सारे विश्वविद्यालय भी खुले थे लेकिन उनकी कोई भी यहाँ पर पॉलिसी नहीं थी। हमारी सरकार ने अभी इसी वित्तीय वर्ष में निजी विश्वविद्यालयों के लिए एक विधेयक भी बनाया और 28 नए निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों को प्रदेश के अंदर स्थापित करने की एक नियमावली को आगे बढ़ाते हुए उन्हें अपनी मंजूरी हमारी कैबिनेट ने दी है। लेकिन राज्य सरकार 3 नए विश्वविद्यालय, जिसमें एक सहारनपुर में, दूसरा अलीगढ़ में, तीसरा आजमगढ़ में, इसके साथ ही प्रदेश के अंदर चिकित्सा शिक्षा का भी एक मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, विश्वविद्यालय हो, अटल विश्वविद्यालय लखनऊ में, एक आयुष विश्वविद्यालय और एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के रूप में ये विश्वविद्यालय भी प्रदेश सरकार ने इस बजट का हिस्सा बनाया है। प्रदेश के अंदर निवेश का माहौल बनाने और प्रत्येक व्यक्ति के मन में सुरक्षा भाव जागृत करने की वजह से प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में जो एक बड़ी भूमिका थी वह प्रदेश के अंदर पुलिस विभाग की थी और जिसमें हमारे बहादुर जवानों ने प्रदेश के अंदर एक बेहतर माहौल देने में बड़ी सफलता प्राप्त की। लेकिन समय के अनुरूप पुलिस के आधुनिकीकरण और अपराध के बदलते हुए नेचर को देखते हुए प्रदेश के अंदर हम लोग साइबर और फॉरेंसिक क्षेत्र में भी कुछ कार्य कर सकें, एक नया विश्वविद्यालय लखनऊ में पुलिस एंड फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के रूप में यह भी स्थापित करने की कार्रवाई इस बजट का हिस्सा बनी है। यानी युवाओं के लिए ऐसे हम पाठ्यक्रम लेकर के आ रहे हैं जहां पर उसके सामने बेहतर भविष्य के सपने साकार होते हुए उसे दिखाई दे सकें। और इससे 7 नए विश्वविद्यालय प्रदेश में उच्च शिक्षा के कायाकल्प के दृष्टि और नेशनल और इंटरनेशनल रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग को सुधारने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन ये सभी करेंगे।
मेडिकल कॉलेजेस के क्षेत्र में कितना परिवर्तन हुआ है कि 1947 से 2016 तक प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुले थे और 2016 के बाद मात्र 3 वर्ष के अंदर आज हम 28 नए मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिसमें इस वित्तीय वर्ष में ही हम लोगों ने 7 मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश प्रारंभ किया। 2 एम्स में, गोरखपुर और रायबरेली एम्स में भी प्रवेश हुए हैं और साथ ही साथ शेष हमारे 21 मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया के साथ 8 निर्माणाधीन हैं। 13 के निर्माण के लिए इस बजट में भी हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था कर दी है मेडिकल एजुकेशन। और हमारा प्रयास है कि अगले वर्ष तक हम हर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में या तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या पीपीपी मोड में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के इस कार्य को आगे बढ़ा सकेंगे। इस दिशा में भी हम लोगों ने तेजी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। प्रदेश के अंदर महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से हम लोगों ने जो योजना पिछली बार प्रारंभ की थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ही अभियान को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना, बालिका के जन्म लेने के साथ उसका रजिस्ट्रेशन हो, 1 वर्ष के होने पर उस बालिका सभी प्रकार की टीकाओं से आच्छादित होने के बाद उस बालिका को पहली क्लास में जाने पर, 6ठी क्लास में जाने पर, 9वीं क्लास में जाने पर और उसके उपरांत कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री कोर्स करने के बाद 15,000 का एक पैकेज उस बालिका को अलग अलग समय में देना मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से अब तक 2,60,000 बालिकाओं को हमने इसके से आच्छादित किया है। और उन सभी बालिकाओं को जो इस श्रेणी की पात्रता में आते हैं उन सबको इस योजना से आच्छादित करने की योजना को भी हमने इसका हिस्सा बनाया है और इसमें उन्हें पर्याप्त योगदान उसमें देने की पर्याप्त इसमें व्यवस्था की है। प्रदेश में औद्योगिक विकास किन संभावनाओं को आप सभी ने अभी डिफेंस एक्सपो के माध्यम से देखा होगा। दुनिया ने उत्तर प्रदेश की क्षमता को बहुत नजदीक से महसूस किया, उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है। आज दुनिया का हर निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है और उस दिन से आपने देखा होगा कि डिफेंस एक्सपो में उत्तर प्रदेश को 50,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। ये उत्तर प्रदेश की क्षमता है और इस क्षमता के लिए उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर देना इस सरकार की प्राथमिकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इस वर्ष के अंत में मुख्य एक्सप्रेसवे हम यातायात के लिए खोलेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास इसी महीने हम लोगों ने प्रस्तावित किया है और गंगा एक्सप्रेस के लिए भी हम लोगों ने आज यहाँ पर धनराशि की व्यवस्था कर दी है। हमारा प्रयास है कि इस वर्ष के अंत तक गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक इस एक्सप्रेसवे का कार्य भी इस वर्ष के अंत तक हम लोग इसका शिलान्यास आदि की प्रक्रिया को पूरी कर सकें, ये हमारा पूरा प्रयास है। प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने की दिशा में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में उत्तर प्रदेश सरकार बनाने जा रही है। इसकी सारी औपचारिकताओं को पूर्ण करने की दिशा में जो अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है ये भी हम लोग इसके साथ किए हैं। अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो सके इसके लिए भी हम लोगों ने इस बजट में इसका प्रावधान किया है। प्रदेश के अंदर 11 अन्य नए एयरपोर्ट बनने की प्रक्रिया के साथ हम लोगों ने जोड़े हैं जिन पर या तो कार्य चल रहा है या उनको हम कार्य करके एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ करके विकास की इन संभावनाओं को और तीव्र गति से आगे बढ़ा सकें, यह फोकस इसके साथ किया गया, इसके साथ जोड़ा गया है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ने, प्रदेश के अंदर हर जिला मुख्यालय को 4 लेन के साथ जोड़ने, प्रदेश के अंदर 2022 तक हर गरीब के पास अपना मकान हो, कोई भी व्यक्ति अपने को उपेक्षित महसूस न कर सके, इस दृष्टि से
वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन शत प्रतिशत उन लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था, निराश्रित महिलाओं को पेंशन की व्यवस्था, दिव्यांग जनों के लिए भी उनकी सुविधा और उनके अनुसार उस प्रकार के केंद्र स्थापित हों, ये सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने इस बजट के माध्यम से भी इसको फोकस करने का प्रयास किया है। प्रदेश के अंदर खास तौर पर किसानों को ध्यान में रख करके पहली बार ये व्यवस्था हो रही है कि केवल मूल किसान ही नहीं बल्कि बटाईदार भी बीमा किसान बीमा योजना का लाभ पा सकता है। हमारी सरकार ने इसके लिए भी इस बजट में इसका प्रावधान किया है कि किसान, किसान के परिवार के कमाऊ सदस्य और साथ साथ बटाईदार जो खेत को लेता था, जोता बोता था, अगर कभी दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती थी तो उसको कोई सुविधा नहीं मिलती थी, हमारी सरकार उन लोगों को भी 5 लाख रुपए की बीमा की सुविधा इस बजट के माध्यम से उन्हें प्रदान कर रही है। इसके अलावा किसानों को आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए भी यहाँ पर इस बजट में व्यापक रूप से इसको हम लोगों ने इस बजट के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। प्रदेश के अंदर औद्योगिक विकास की इन संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए या फिर शहरी जीवन को और बेहतर बनाने की दिशा में भारत सरकार ने 10 शहर उत्तर प्रदेश के स्मार्ट सिटी में चयन किए थे। हमारे 7 नगर पालिकाएं ऐसी थी, नगर निगम ऐसे थे जो इसके चयन में नहीं आ पाए थे, उन 7 को स्मार्ट एंड सेफ सिटी के रूप में प्रदेश सरकार विकसित करेगी, इसका भी हम लोगों ने प्रावधान इसमें किया है। प्रदेश के अंदर पेयजल की समस्या का समाधान, यह एक बहुत बड़ी प्रदेश के अंदर एक चैलेंज था। बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र में हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही इंसेफ्लाइटिस, आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्रों में भी हम पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, हम लोगों ने इसको फोकस किया है। प्रदेश के अंदर खुले में शौच से मुक्त यानी ODF के लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ ही सभी 60,000 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में कर दी गई है कि अगर इस सब के बावजूद स्वाभाविक रूप से आबादी बढ़ेगी, परिवार बढ़ेंगे, व्यक्तिगत शौचालय के लिए उनके पास जगह नहीं बना पा रहे हैं तो हर ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण हम लोग करेंगे, इसका भी प्रावधान इस बजट में कर दिया गया है। प्रदेश के अंदर इसके साथ ही ओनस यानी गांवों के विकास के लिए निराश्रित गोवंश से समस्या का समाधान करने के समय भी पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था यहां पर की जा रही है और केवल गो आश्रय स्थल निराश्रित गोवंश के लिए आश्रय स्थल का ही निर्माण नहीं बल्कि उनके भरण पोषण के साथ ही उनके उन्नत नस्ल की दिशा में भी हम लोग एक नए सिरे से कार्य कर सकें, इस पर भी बजट में इसको फोकस करने का प्रयास किया गया है और प्रदेश के हरेक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से पुलिस के आधुनिकीकरण के साथ साथ पुलिस कर्मियों की बुनियादी सुविधाओं को भी इस पर फोकस करने का प्रयास किया गया है। यानी प्रदेश में हरेक तबके के हितों को ध्यान में रख करके यह बजट प्रस्तुत किया गया है, चाहे वह रजिस्टर्ड श्रमिकों, अनाथ बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय हो, 18 जो हमारी कमिश्नरी होंगे उन कमिश्नरी मुख्यालयों पर हम 18 ऐसे आवासीय विद्यालय बनाएंगे जो रजिस्टर्ड श्रमिकों के साथ साथ अनाथ बच्चों को भी वहां पे रख करके उनके शिक्षा के साथ साथ अगर वह बच्चा
पढ़ाई लिखाई में कमजोर है लेकिन वह किसी एक क्षेत्र में कार्य करना चाहता है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काम करना चाहता, तो उसके लिए उसी संस्थान में ये सुविधा रहेगी कि हम उसको स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाएंगे। 18 कमिश्नरी में 18 विद्यालय खुलने जा रहे हैं, तो अलग अलग सेंटर में अलग अलग स्पोर्ट्स को भी हम इसके साथ देंगे, तो उन बच्चों को इसके साथ ही हम जोड़ेंगे। या अगर कोई स्किल डेवलपमेंट में आगे बढ़ना चाहता है तो स्किल डेवलपमेंट में उसे पारंगत करना है, उसे स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना है। ये 18 आवासीय विद्यालय इसके साथ जोड़े गए हैं और पहली बार हो रहा है जब समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ। मुख्यमंत्री आरोग्य मेला हर रविवार को हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में न केवल आरोग्यता की जांच, परामर्श और निशुल्क दवा की उपलब्धता होगी, अपितु स्वास्थ्य संबंधी, पोषण संबंधी उन सभी योजनाओं का लाभ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ही प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो सके, इसको भी इस बजट में फोकस किया गया है। अगर आप देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूर्ति करने वाला बजट है और साथ साथ प्रदेश की आस्था को भी सम्मान देने वाला बजट है। हमने इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आधुनिकीकरण की उस दिशा में भी एक नया प्रयास प्रारंभ किया है, चाहे वो बेसिक शिक्षा का हो, माध्यमिक शिक्षा का हो, उच्च शिक्षा का हो, तकनीकी शिक्षा का हो, चिकित्सा शिक्षा का हो, मदरसों की शिक्षा के आधुनिकीकरण का हो, इन सब में भी हम लोगों ने एक नए सिरे से प्रयास प्रारंभ किया है। तो सर्विस सेक्टर को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया है, खासतौर पर जो आस्था के हमारे प्रतीक हैं वहाँ पर पर्यटन की सुविधाओं का विकास करने और उन क्षेत्रों के समग्र विकास के माध्यम क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ विकास की उन संभावनाओं को आगे बढ़ा करके पर्यटन विकास की उन संभावनाओं के माध्यम से ढेर सारी रोजगार की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का हिस्सा हम बना सकें, इसको भी फोकस किया गया है। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास का ये बहुत महत्वपूर्ण बजट है। जब पहली बार मूल बजट 5 लाख करोड़ रुपये से ऊपर का सदन में प्रस्तुत हुआ है, वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए हुआ है, समाज के प्रत्येक तबके को सम्मान देते हुए यह बजट आगे बढ़ा है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को भारत की इकोनॉमी का हिस्सा बनाने में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सके, इस दिशा में उस लक्ष्य को प्राप्त करने में इस बजट की एक बड़ी भूमिका होगी। मैं वित्त मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को एक विकासोन्मुखी प्रदेश के सभी तबकों के हितों को ध्यान में रखते हुए और प्रदेश के समग्र विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, चाहे वह गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, युवा हो, छात्र हो, इन सब के हितों को ध्यान में रख करके एक बजट प्रस्तुत किया गया है, इसके लिए बधाई देता हूं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह बजट उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई बुलंदियों तक पहुंचाने का कार्य करेगा। धन्यवाद। मैं एक एक, एक करके जी एक मिनट एक कर हाँ जी देखिए, प्रदेश के अंदर जब हम लोग आए थे तो केवल 69 कृषि विज्ञान केंद्र थे। कृषि विज्ञान केंद्र कृषि
कृषि तकनीक और किसानों को उन्नत फसल बीज उपलब्ध हो सके, इसके लिए बहुत आधारभूत इकाई है। हमारी सरकार ने आने के तत्काल बाद 20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रस्ताव भेजे और उन सभी जहां पर जो बड़े जनपद थे वहां पर 2, छोटे जनपद थे वहां पर 1 कृषि विज्ञान केंद्र अनिवार्य रूप से हों, और कृषि विज्ञान केंद्रों को प्रदेश के जो 4 हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके साथ जोड़ करके इसी दिशा में कि फसल के विविधीकरण की तरफ हम लोगों को ले जा सकें। हर बार धान गेहूं या गन्ना ही नहीं बल्कि वेजिटेबल के लिए भी हमने प्रोत्साहन की राशि इसमें दी है। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हम लोगों ने इसलिए अपनी एक पॉलिसी को लेकर के और लोगों को इसलिए उसमें प्रोत्साहित किया है। हम उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने गन्ना को शुगर केन को इथेनॉल के साथ जोड़ा है, और कई राज्य देश के अंदर ऐसे हैं जहां पर उन्होंने आधी चीनी मिलें उनकी बंद हो चुकी हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी हम न केवल उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी चीनी मिलों के आधुनिकीकरण और नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए कार्य कर रहे हैं, अपितु उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना बुआई का क्षेत्रफल भी बढ़ा है और लगभग 87,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान कराने में भी हम सफल हुए हैं। प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी हमारी सरकार लाई है, न केवल दलहन, न केवल हम लोग धान और गेहूं के लिए अभी तो दलहन तिलहन मकई इन सब के लिए भी और आलू के लिए भी समर्थन मूल्य हम लोगों ने ही घोषित किया था। इस बारे में कृषि विज्ञान केंद्रों की बड़ी भूमिका, और कृषि विज्ञान केंद्रों को टास्क दिए जा रहे हैं कि आप किसानों को इसके बारे में प्रशिक्षित करें। एक अभी गंगा यात्रा हम लोगों ने निकाली थी, गंगा यात्रा का उद्देश्य ही था कि हम किसानों को फर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से दूर गो आधारित खेती जीरो बजट खेती की ओर तरफ आकर्षित कर सकें, और इसका स्पेशल कैंप भी हम लोगों ने एक प्रशिक्षण शिविर भी हम लोगों ने चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्थापित किया। गंगा किनारे के 1038 गांवों को पहले चरण में लेने के बाद ये 27 जनपद आते हैं, और इसी प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ाया है। बागवानी को भी और अन्य उसमें भी किसान जाएं, सब्जी उत्पादन को आगे बढ़ा सकें, तेज कर सकें, और इस दिशा में उसको एक दूसरा पशुपालन के लिए हम लोगों ने जो निराश्रित गोवंश की पॉलिसी लेकर के आए हैं, इसमें 4,00,000 गोवंश उत्तर प्रदेश सरकार की गौशालाओं में हैं जो निराश्रित गो आश्रय स्थल हमने खोले हैं, लेकिन लगभग 50,000 गोवंश ऐसा है जो हम लोगों ने किसानों को दिया है। हर निराश्रित गोवंश को एयर टेक करते हुए किसान को देना, और हर गोवंश के लिए प्रतिमाह 900 रुपये हम उस किसान को दे रहे हैं। अगर एक किसान 4 गोवंश अपने पास रखता है 3600 रुपये उसको हर महीने सरकार देगी। अगर वह गो आधारित खेती के साथ अपने इन गोवंश को जोड़ता है तो एक किसान एक गोवंश एक वर्ष में 30 एकड़ खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में उसे उर्वरक दे सकता है, उसे कोई केमिकल कोई फर्टिलाइजर और किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड का उपयोग यानी उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो हम लोग तो किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने की दिशा में सरकार ने प्रयास प्रारंभ किए हैं, और वह किसान फिर उस गोवंश के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की है कि उसकी उन्नत नस्ल आ जाए। अभी इसके जो परिणाम आए हैं बहुत अच्छे आए हैं, और आप देखेंगे कि बहुत शीघ्र जो बुंदेलखंड की अन्ना प्रथा से लोग परेशान थे उन्हें काफी राहत इसके माध्यम से मिलेगी, और ये खेती को बाड़ी के साथ जोड़ने की प्रक्रिया और किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने की प्रक्रिया का हिस्सा उसी का पड़। प्रेमशंकर जी, जी बोलिए। देखिए अब तक हमारी सरकार ने 2,49,000 से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न किया है। पहली बार हुआ है कि सरकार की प्रक्रिया पर कहीं भी किसी को उंगली उठाने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ।
और ये पूरी पारदर्शी तरीके से प्रदेश का नौजवान इन सरकारी नौकरियों को पाया है। हमने अपने औद्योगिक निवेश की जो पॉलिसी प्रदेश के अंदर बनाई थी और फोकस सेक्टर्स की जो हमारी पॉलिसी बनी थी और प्रदेश के अंदर हमने जो अपना इन्वेस्टर समिट यहां पर किया था, इसके बाद प्रदेश के अंदर जो निवेश हुआ 35 लाख से अधिक युवा इसके माध्यम से रोजगार के साथ जुड़ा। परंपरागत उद्यम को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पहले अपनी स्थापना दिवस पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी योजना को एमएसएमई सेक्टर 90 लाख हमारे पास इकाइयां हैं एमएसएमई की और देश के अंदर सबसे बड़ा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इसको उपेक्षित किया गया था। हमने केवल उसको थोड़ा प्रोत्साहित किया, हमने उसकी मार्केटिंग की, हमने उसकी ब्रांडिंग की और सरकार ने उसको सहयोग करना प्रारंभ किया, बैंकों के साथ जोड़ा, वित्तीय संस्थानों के साथ जोड़ा। आज उसका परिणाम है कि अकेले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से 5 लाख से अधिक युवा सीधे सीधे रोजगार के साथ जुड़ा है। डिफेंस एक्सपो और इसके माध्यम से निवेश और विकास की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हमारा उसी के साथ है। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास वोकेशनल एजुकेशन और हमारे पास स्किल डेवलपमेंट के जो सेंटर हैं, इनसे जितने युवा निकलते थे वे सभी युवा उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी या रोजगार नहीं पा पाते थे। और इसने के लिए हम लोग इंटर्नशिप की एक अभिनव योजना लेकर के आए हैं। ये योजना उत्तर प्रदेश के हर युवा को उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी और रोजगार की और बाद में उसे यहाँ पर स्वयं आगे यानी आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने में ये मदद करेगी। और इसीलिए हम लोग इस योजना को विशेष फोकस करते हुए, युवाओं को फोकस करते हुए हम लोग लेकर के आए हैं। महिलाओं के बीच रंजना जी, एक मिनट रंजना जी, हाँ जी एक मिनट रंजना जी, एक मिनट बैठिए, बैठ जाइए रंजना जी, महिलाओं को मौका दीजिए प्लीज। देखिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी बजट में पूरे प्रावधान कर दिए गए हैं। देखिए हमारी सरकार शुरू दिन से ही महिलाओं की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। पहले हमने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हमारी सरकार ने ही गठित किया है। हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर ये व्यवस्था सुनिश्चित की कि अगर रात्रि की शिफ्ट में कार्य करने वाली कोई महिला सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहती है तो हमारी पीआरबी 112 के वाहन में महिला कांस्टेबल उसको वहां तक पहुंचाने में सहयोग करेगी। साथ साथ ये भी व्यवस्था की गई है कि केवल सुविधा ही नहीं सुरक्षा भी उसके लिए आवश्यक है। महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए और नाबालिग बालिकाओं के साथ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए 218 विशेष न्यायालयों का गठन, जिसमें 74 केवल पास्को कोर्ट हैं, ये भी सरकार ने प्रदेश में गठन करने की अपनी प्रक्रिया को पूरा कर दिया है। बजट में उसके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था भी कर दी है। हर जनपद में अनिवार्य कर दिया गया है कि हर महीने महिला संबंधी अपराधों को लेकर के हर जनपद में 10-10 ऐसे अपराधों को वे चिन्हित करें और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में इसको अनिवार्य रूप से दें कि इन्हें फास्ते कोर्ट में ले जाकर के इसको प्रभावी प्रोसिक्यूशन को तेज करते हुए सजा दिलाई जाए। यानी एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में प्रदेश के अंदर पिछले 2.5 वर्ष के दौरान 1 लाख बालिकाओं की शादी सामूहिक विवाह योजना में कराने में हम सफल हुए हैं। ये अन्य सभी योजनाओं श्रम विभाग की तरफ से अलग चल रहा है, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य बालिकाओं के लिए अलग है, लेकिन ये योजना विशेष रूप से समाज के प्रत्येक तबके के लिए ये योजना लागू की गई है। तो महिलाओं की एक तरफ हम उनको सुविधा देंगे बालिका के जन्म से लेकर के उसके विवाह तक शासन की सुविधा, वह उसका हकदार है, उसको देने की व्यवस्था। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो अपने यहाँ 1,80,00,000 बच्चों को, जिसमें 60 यानी 60% बालिकाएं हैं,
उन बच्चों को दो यूनिफॉर्म दे रहे हैं, बैग दे रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं, सूट सॉक्स दे रहे हैं, स्वेटर दे रहे हैं। ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर हम लागू किए हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक इसको हम लागू करने में सफल हुए हैं। एक तरफ ये चीजें देंगे तो दूसरी तरफ सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था, एक तरफ इन सभी को लेकर के ये कार्रवाई प्रदेश सरकार ने की है और बजट में इसके लिए पर्याप्त धनराशि की। राजीव जी, 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 एक प्रश्न है, आपके इस बजट में आपने काफी लोकप्रिय योजनाएं फ्रेम की हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जो हम फोकस कर रहे हैं, दूसरा युवाओं को हमने जो फोकस किया है इसी बात को लेके किया है कि हमें डबल डिजिट में स्किल लेकर जाना होगा और वह हम लोग सफल होंगे। आप देखना कि जिन परिस्थितियों में हमें प्रदेश मिला था, अगर वही स्थिति होती तो संभवतः इस समय सत्ताधारी दल के लोग कटोरा लेकर के सड़कों पर घूमते, लेकिन हमने वित्तीय अनुशासन को भी बनाए रखा, प्रदेश के अंदर लोक कल्याणकारी योजनाओं को भी देश के अंदर सबसे अच्छी गति दी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमने फोकस किया। और हमने इसीलिए अपने उन क्षेत्रों को चुना है जो हमें, जिन छह क्षेत्रों को चुन करके हम उत्तर प्रदेश को 2024-25 तक $1 trillion की इकोनॉमी बना सकें, हमने उन्हीं छह सेक्टर पर हमारा कार्य प्रारंभ भी हुआ है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में या शहरीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जो हम लोगों ने कार्य किया है, एग्रीकल्चर को आधुनिकीकरण के साथ जोड़ने की जो कार्रवाई की है और निवेश की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए हैं, ये उसी का पार्ट है। और विश्वास करिए 2024-25 में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी देश की किसी भी राज्य की। मुख्यमंत्री जी, आपने जो आज योजनाएं फ्रेम की हैं बजट में, जो आपने योजनाएं फ्रेम की हैं ये बहुत अच्छा है, लेकिन अलग सवाल है। अभी उत्तर प्रदेश दिवस पर माननीय राज्यपाल आनंदी जी ने आपको एक एक करके बोलेंगे जी। अभी उत्तर प्रदेश दिवस पर माननीय राज्यपाल जी ने आपकी प्रशंसा की थी और उन्होंने कहा था कि आपने प्रदेश में अकल्पनीय कार्य किए हैं। अभी जब प्रधानमंत्री जी आए थे अभी काशी में, उन्होंने भी आपकी बहुत प्रशंसा की है कि उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो क्या आपसे उम्मीदें और आपकी चुनौतियां बढ़ी हैं, क्या समझते हैं आप इस प्रशंसा को? देखिए, जब कोई अच्छा करेगा तो आप भी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सब उनकी बात बताइए, एक 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 करके, हाँ एक एक बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ